घोड़ल थाना पुलिस ने रात से लापता युवक का शव उछीना ड्रेन में से बरामद किया। पुलिस ने तैराकों व दमकल कर्मियों की मदद से सबकी तलाश कर सबको ड्रेन से बाहर निकाला। पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर सबको पोस्टमार्टम के लिए पलवर स्थित सिविल अस्पताल में भेज दिया है। होडल थाना प्रभारी अनूप सिंह ने जानकारी में बताया कि उन्हें सूचना मिली कि गांव गिलोहा यूपी हाल आदर्श कॉलोनी निवासी प्रदीप व सोनू पार्टनरशिप में एक ढाबे पर आइसक्रीम का काम करते थे। देर रात प्रदीप सोनू ने हिसाब करने के लिए ढाबे पर गया था और उसके बाद घर नहीं लौटा। जब देर रात भी प्रदीप घर नहीं लौटा तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और बताया कि प्रदीप की चप्पलें ढाबे के निकट स्थित उछीना डैनर नाले के पास मिली है और उसका फोन भी नहीं लग रहा। थाना प्रभारी ने बताया कि रात को प्रदीप को कई जगह तलाश किया गया लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला। उन्होंने बताया कि शुक्रवार सुबह गोताखोरों व दमकल विभाग की मदद से उछीना ड्रेन में प्रदीप की तलाश की तो उछीना ड्रेन में से प्रदीप का शव बरामद हुआ। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रदीप के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पलवर के सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। जो आज ये नाले में डेड बॉडी मिली है, ये क्या कारण है और कैसे मिली है, क्या किसी को झगड़ा है या क्या मामला है? ये लड़का अमन होटल से आइसक्रीम बेचते थे, दो पार्टनर थे। कल इनका 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट था, वो समाप्त हुआ। कल इनका हिसाब किताब हो गया। मृतक को 10,000 रुपये दे दिए, 2,000 रुपये फ्रेंड नहीं थे। तो पता, ये शाम को बातचीत करता करता खाना खा रहा था, उसके बाद ये निकल गया 8:30 बजे से। और उसके बाद इसकी कोई लोकेशन नहीं मिली। रात भर तलाश किया, पुलिस को भी इतला दी गई, पुलिस भी रात को भी गई थी और सुबह से पुलिस लगी है। गोताखोर बुलाए हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह बुलाई है, पूरे प्रयत्न करके अब शाम को 4 बजे डेड बॉडी मिली है। तो मृतक कहाँ का रहने वाला है? मृतक ये आदर्श कॉलोनी का रहने वाला है। क्या नाम है इसका? प्रदीप नाम। कितनी उम्र सर? 28 साल उम्र बताई। तो आपने क्या कार्रवाई की है? अब कार्रवाई करेंगे सर, डेड बॉडी को हॉस्पिटल भिजवा दिया, स्टेटमेंट लेंगे, जो भी कार्रवाई होगी।